हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेट इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा है तो एक धमाकेदार आईपीओ स्टार्ट हो रहा है इसी वीक में। इसको अच्छी तरह रिव्यू करेंगे, डेट को देखेंगे और प्राइस को देखेंगे और साथ साथ में देखेंगे क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और इसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे और देखेंगे कितना चांसेस है इसके अंदर अलॉटमेंट मिलने का, और साथ साथ में देखेंगे किसका कितना रिजर्वेशन रखा गया है इस आईपीओ के अंदर और कंपनी क्या प्राइस पे अपना आईपीओ लेकर आ रही है। सारी बातें, सारी चीज़ें डिटेल में रिव्यू करेंगे। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके एक्सेलरेट इंडिया लिमिटेड के अंदर पार्टिसिपेट करो, जो आने वाले वक्त में अच्छा पैसा बना के दे सकता है। चलो आईपीओ का अच्छी तरह एक बार रिव्यू कर लेते हैं। करें एक्सेलरेट बीएस इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में, इसकी डिटेल देखते हैं। ये आईपीओ स्टार्ट हो रहा है 6 जुलाई 2023 से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा 11 जुलाई 2023 को। ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा और आईपीओ का प्राइस जो रखा गया है 90 रुपये पर शेयर रखा गया है, फेस वैल्यू 10 रुपया है और आईपीओ की साइज़ देखा जाए तो एक छोटा सी आईपीओ है 5 करोड़ 69 लाख का। और साथ साथ में इसकी लिस्टिंग होते हुए हमको दिखाई देगी बीएससी एसएमई पे, ये लिस्ट होता हुआ दिखाई दे क्योंकि एसएमई आईपीओ है और इसके अंदर एक लॉट के अंदर 1600 शेयर्स रखा गया है, यानी मिनिमम रिटेल एक लॉट ले सकता है जिसके अंदर 1600 शेयर्स मिलेंगे। आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँ, जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहा है, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो ताकि नई वीडियोज़ नई नॉलेज टाइम टू टाइम लेके आए। दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल। हम बात कर रहे हैं एक नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में, नाम है एक्सेलरेट बीएस इंडिया लिमिटेड आईपीओ। उनकी पर्सनल वेबसाइट को लेकर आया हूँ जहाँ पे अपनी सर्विस और डिजिटल सर्विस डीएक्सपी प्लेटफॉर्म और जो मतलब जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर इन्होंने मेंशन की हुई है, दिखाई हुई है। साथ साथ में देखा जाए ग्लोबल टेक्नोलॉजी और डीएक्स के अंदर काम करती है, यानी एक तरह से टेक्नोलॉजी कंपनी है और जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है और जिसके अंदर डिजिटल एप्लीकेशन क्राउन पीक डीएक्सपी ऑप्टिमाइजेली डीएक्सपी कंटेंट फुल कंटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह मतलब जो भी सर्विस है अपने वेबसाइट पे उन्होंने मेंशन की हुई है। साथ साथ में इनकी ऑफिस वगैरह देखा जाए तो मुंबई और अहमदाबाद के अंदर इनकी ऑफिस भी है। चलो देख लेते हैं आईपीओ की और भी क्या डिटेल वगैरह है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा, जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो ताकि नई नई वीडियोज़ नई नॉलेज में टाइम टू टाइम लेके। बात करें एक्सेलरेट बीएस लिमिटेड आईपीओ के बारे में, फिलहाल आईपीओ की डिटेल देखा है तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2022 में और एक्सेलरेट बीएस इंडिया लिमिटेड डिजिटल टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी है। द ऑफरिंग इन बोटिक टेक्नोलॉजी सर्विस बोथ बिजनेस टू बिजनेस बिजनेस टू कस्टमर कंपनीज वर्ल्ड वाइड में सर्विस प्रोवाइड करती है। और कंपनी का देखा जाए तो जो सर्विस है इंक्लूड डिजिटल टेक्नोलॉजी सर्विस डीएक्स एंड डिजिटल एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म कंसल्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन सर्विस डिजिटल प्रोजेक्ट और साथ साथ में कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। साथ साथ में देखा जाए डिलीवरिंग पावरफुल स्केलेबल सॉफ्टवेयर सिस्टम भी। और एक्सेलरेट बीएस इंडिया स्पेशलाइज इन टाइटी इन बिल्ड 100% इन हाउस कैपेबिलिटी अक्रॉस डीएक्सपी प्लेटफॉर्म लाइक ऑप्टिमाइजली क्राउन पीक कंटेंटफुल स्क्रैपी सम ऑफ इंडस्ट्रीज लीडिंग इंटरप्राइज डीएक्सपी प्लेटफॉर्म वी स्पेशलाइज इन। चलो कंपनी की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। डिजिटल कंपनी बात करें एक्सेलरेट बीएस इंडिया लिमिटेड आईपीओ के फाइनेंशियल के बारे में, तो लाख में दिया गया है, मैं करोड़ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्च 2020 के अंदर टोटल असेट कंपनी की थी 1 करोड़ 25 लाख की, टोटल रेवेन्यू आया था करीब करीब 5 करोड़ का, प्रॉफिट 68 लाख का था और नेटवर्थ कंपनी की 53 लाख की हो गई थी, उधार 0 था। और मार्च 2021 के अंदर 1 करोड़ 80 लाख का टोटल असेट थी, टोटल रेवेन्यू आया था 4 करोड़ 51-52 लाख का और साथ साथ में प्रॉफिट 42 लाख की थी। नेटवर्थ कंपनी की 1 करोड़ की हो गई थी लेकिन साथ साथ में उधार भी कंपनी का चढ़ गया था करीब करीब 24 लाख का। और मार्च 2022 के अंदर देखा जाए तो कंपनी टोटल असेट 2 करोड़ की हो गई थी, रेवेन्यू आ गया था 3 करोड़ 55 लाख का और साथ साथ में प्रॉफिट करीब करीब 25 से 26 करोड़ की हो गई थी। नेटवर्थ कंपनी की 1 करोड़ 11 लाख की हो गई थी और 24 लाख से डायरेक्ट बढ़कर 45 लाख की टोटल बोरोइंग भी कंपनी में चढ़ गई थी। और जनवरी 2021 के अंदर करीब करीब टोटल असेट कंपनी की 2 करोड़ 83 लाख की थी, टोटल रेवेन्यू 1 करोड़ 65 लाख का था, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 26 लाख का। नेटवर्थ कंपनी की हो गई थी 2 करोड़ की और साथ साथ में टोटल बोरोइंग यानी उधार भी कंपनी के ऊपर करीब करीब 33 लाख का चढ़ चुका था। चलो कंपनी की और भी क्या डिटेल है साथ साथ में वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा, चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करें। एक्सेलरेट इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में, तो ये आईपीओ
6 तारीख से स्टार्ट होगा और 11 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये रखा गया है, आईपीओ प्राइस 90 रुपया है और एक लॉट के अंदर 1600 शेयर्स रखे गए हैं। और टोटल इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं तो छोटा सी आईपीओ है 5 करोड़ 70 लाख का, जिसके अंदर कुछ फ्रेश इशू भी है 1 करोड़ 70 लाख का और साथ साथ में ऑफर फॉर सेल भी है 3 करोड़ 99 लाख का। और साथ साथ में देखेंगे इस आईपीओ के अंदर लिस्टिंग हमको ये होती हुई दिखाएगी, बीएससी एसएमई पे ये लिस्ट होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि एसएमई आईपीओ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है। और बात करेंगे इसके रिजर्वेशन के बारे में है तो एचएनआईएस को 50% दिया गया है और रिटेल को भी 50% दिया गया है, दोनों का 50-50% इसके अंदर रखा गया है। चलो आईपीओ के मेन डेट एंड टेंटेटिव टाइम टेबल वगैरह करें, एक्सेलरेट आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में, जैसे मैंने बताया 6 तारीख को ये आईपीओ आएगा और 11 तारीख को ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा। उसके बाद बेसिक अलॉटमेंट देखने को मिलेगा फ्राइडे 4 जुलाई 2023 को, अलॉटमेंट कैसे चेक करते हो वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। उसके बाद मंडे के दिन 17 तारीख को अकाउंट में रिफंड भी हो जाएगा, 18 तारीख को हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद मेन डेट आती है 19 जुलाई की डेट रहेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट रहेगी कि एक्सीलरेट इंडिया लिमिटेड का आईपीओ स्टॉक मार्केट पर लिस्टिंग होता हुआ दिखाई देगा 19 तारीख को। और साथ साथ में बात करेंगे डिटेल में, बात करते हैं लॉट साइज के बारे में, तो इस आईपीओ का मिनिमम और मैक्सिमम डिटेल एक लॉट ले सकता है, क्योंकि ये भी एक एसएमई आईपीओ है जिसके अंदर एक लॉट के अंदर 1600 शेयर्स रखे गए, अमाउंट 1,44,000 पे करना पड़ेगा। और साथ साथ में अगर एक लॉट से ज़्यादा लेना है यानी 2 लॉट लेना है तो एचएनआई से कैटेगरीज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, मिनिमम 2 लॉट मिलेगा जिसके अंदर 3,200 शेयर्स मिलेंगे और अमाउंट पे करना पड़ेगा 2,88,000 पे करना पड़ेगा। और बात करते हैं डिटेल में आईपीओ की, क्या अगर देखा जाए प्रमोटर होल्डिंग, तो अभी जो इतना प्रमोटर होल्डिंग दी हुई है करीब करीब 100% प्रमोटर होल्डिंग है। अब स्टॉक मार्केट जब ये लिस्ट होगा तो इसके अंदर 70% होल्डिंग हो जाएगी। चलो आईपीओ की और भी क्या डेट वगैरह वो भी देख लेंगे, उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो, अगर नई वीडियोज़ नई नॉलेज में टाइम टू टाइम लेके आता रहूँगा।